अपनी सु देखते थे। और फिर आगे चलकर लता ने शंकर जयश्री कृष्ण, नौशाद अली, एसडी बुरमान, अमरनाथ, हुसन लाल और भगत राम जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और अपने आवाज से उन्होंने बहुत जल्द लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ दी। हालांकि सफलता के साथ साथ ही लता जी के दुश्मन भी काफी बढ़ चुके थे और इसलिए 1962 में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ये पता लगा कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें कोई जहर दे रहा है। और फिर अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि वो आदमी उनका कुक था जो भागने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ महीनों के बेड रेस्ट के बाद से लता पूरी तरह से ठीक हो गईं और फिर 27 जनवरी 1963 को वो उस समय पर मंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने आई, मेरे वतन के लोगों का गाना गाया। और कहते हैं कि इस गाने को सुनकर वहां पर बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। और फिर आगे चलकर संगीत जगत में लता को योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, दादा साहब फलके अवार्ड, राजीव गांधी भावना अवार्ड और भारत रत्न जैसे कई सारे सम्मान मिल चुके हैं और ये सभी अवार्ड्स अपने आप में ही लता की सफलता की स्टोरी बताते हैं। दोस्तों, ये थी लता मंगेशकर, भारत की वो महिला जिन पर हम सभी को गर्व है और खास करके उनकी आवाज तो हमें एक अलग ही सुकून देती है। आपको लता मंगेशकर का कौन सा सॉन्ग पसंद है कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो पर इस लेजेंडरी सिंगर के लिए एक लाइक तो बनता है।